नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आरसीसी गर्डर और पीएससी गर्डर में क्या डिफरेंस है पॉइंट वाइज। दोस्तों पहला पॉइंट ये है कि स्टील का क्वांटिटी आरसीसी गर्डर में 3 गुना लगता है एज कंपेयर टू पीएससी गर्डर। दोस्तों ये पीएससी गर्डर है जिसका स्पान 25 मीटर का है। अब मैं आपको आरसीसी गर्डर दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये आरसीसी गर्डर है जिसमें आप देख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ स्टील जो है 3 गुना है। जैसा कि इसमें 32 का स्टील लगा है, 20 का स्टील लगा है, तो क्वांटिटी ऑफ स्टील जो है आरसीसी गर्डर में 3 गुना लगता है एज कम्पेयर टू पीएससी। दूसरा नंबर जो पॉइंट है, डिफ्लेक्शन आरसीसी गर्डर में 4 गुना होता है एज कम्पेयर टू पीएससी गर्डर। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ये आरसीसी गर्डर में लो कॉस्ट मटेरियल होता है जबकि पीएससी गर्डर में हाई कॉस्ट मटेरियल होता है। मटेरियल का जो कॉस्ट है वो हाई होता है। दोस्तों ये पीएससी गर्डर है, जैसे इसमें मटेरियल लगा है, इसमें सीथिंग पाइप है, एंकर कोन, इसके साथ में जब ये स्ट्रेसिंग होगा तो इसमें बियरिंग प्लेट लगेगा, मास्टर वेजेज, लाइव वेजेज, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक पम्प, ये सारे मटेरियल जो है इक्विपमेंट्स पीएससी गर्डर में लगता है। उसके बाद ये पूरा इसका कंप्लीट होता है, जबकि आरसीसी गर्डर में ऐसा नहीं होता है। चौथा पॉइंट्स दोस्तों, पीएससी गर्डर में जो शियर फोर्स होता है उसको ये टेंडन रजिस्ट करता है, जबकि आरसीसी गर्डर में शियर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए उसमें शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों इसका जो 5 नंबर पॉइंट्स है, डेड लोड ऑफ आप पीएससी गर्डर में कम होता है एज कम्पेयर टू आरसीसी गर्डर। डेड लोड आरसीसी गर्डर का ज़्यादा होता है। छठा पॉइंट है दोस्तों, पीएससी गर्डर में इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होता है जबकि आरसीसी गर्डर में इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड नहीं होता है। 7वां नंबर पॉइंट है दोस्तों, जो ब्रिटल फेलियर होता है आरसीसी गर्डर में लेस होता है एज कम्पेयर टू पीएससी गर्डर। तो दोस्तों ये रहा हमारा आरसीसी गर्डर और पीएससी गर्डर में क्या डिफरेंस है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।